है आपका आईबीएन 9 न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ गरिमा मकरानी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। एमजी अस्पताल के पास स्थित साईं मंदिर की 34वीं प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में रविवार को महाआरती व महाप्रसादी का आयोजन किया गया। मंदिर समिति द्वारा मंदिर की विशेष साज सज्जा की गई। प्रातः 7:35 पर आरती, 8:35 पर अभिषेक, 9:35 पर हवन एवं प्रातः 11:35 पर आरती के पश्चात दोपहर 12 बजे से भंडारा प्रारंभ हुआ, जो देर शाम तक चलता रहा, जिसमें हजारों भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की। शाम 7 बजे महाप्रसादी महाआरती की गई। मंदिर पुजारी राज शेखर तुरकणे ने बताया कि 34 वर्ष पहले इंदुमती तुरकणे द्वारा मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, जिसके बाद से ही साई मंदिर पर भक्तों का तांता लगा रहता है। हर वर्ष की भांति इस बार भी भंडारे का आयोजन हुआ। साई भक्त मंडल के अभय देश पांडे, पिंटू यादव, मनीषा साई राम एवं अन्य भक्त इस आयोजन में अपनी निस्वार्थ भाव से सेवाएं देते हैं। देवास से ओम प्रकाश सेन की रिपोर्ट। ये साईं मंदिर निर्माण इंदुमती तुरकने द्वारा किया गया था, जो हम उस परिवार से इंदुमती तुरकने और मेरा नाम है राजशेखर तुरकने और इस मंदिर को आज 34 वर्ष हो चुके हैं। बाबा के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में हम प्रति अनुसार इस वर्ष भी हमने विशाल भंडारे का आयोजन रखते हैं और साई भक्त मंडल और साई मंदिर के द्वारा ये विशाल भंडारा किया जाता है। आपका नाम? राजशेखर तुरकने, साई पुजारी। आपका? रेखा परिहार। कहाँ से आए हैं आप? देवास से। क्या कुछ महत्व है इस मंदिर का और कब से आ रहे हैं आप? मुझे यहाँ पर 30 साल हो गए आते हैं और बहुत अच्छा महत्व है, जो मांगो सब मिलता है बाबा के दरबार से, कोई भी खाली नहीं जाता है। हाँ। आज यहाँ पर किस तरह का आयोजन किया जा रहा है? यहाँ हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है और बाबा के प्राण प्रतिष्ठा के उस महोत्सव में भंडारा रखा जाता है। ठीक है, आपका नाम? रेखा परिहार। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए आईबीएन 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।